हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। और अभी टाइम 7:30 का हो रहा है और अभी मैं किचन में हूँ। तो किचन में मैं बना रही हूँ खाना, तो खाने में आपको दिखाती हूँ कि खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या बना रहे हैं हम खाने में। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखाती हूँ, ये मैंने चुड़वा सेका था बच्चों के लिए, तो दूध से चुड़वा दिया था। और ये देखिए, ये मैंने पनीर रखा हुआ है काट के, और ये पनीर का कुछ और बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाऊंगी। तो ये पनीर घर पे ही बनाया था। और ये देखिए रात में, और ये एक तरफ हो रहा है घी गरम, तो ये मेरा घी भी गरम होने वाला है फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों से मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो एक तो ये है ना कि मलाई वगैरह निकालने में थोड़ा सा आलस सा आता है, लेकिन आज मैंने निकाली ली और तुरंत मैंने गरम करने भी रख दी थी। तो ये घी होने वाला है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो आप, ये मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी, ये टमाटर की ग्रेवी बना लिया और इसमें मसाला डाला है मैंने, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, और जो खड़ा मसाला था उसमें मैंने तड़का मारा था। तो प्याज व्याज कुछ भी नहीं डली है फ्रेंड्स, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो प्याज का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होगा एक महीने तक। तो ये देखिए, ये ग्रेवी जब बन जाएगी, मतलब हल्का सा इसमें तेल ऊपर आ जाएगा, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी पानी, फिर ये डाल दूँगी पनीर। तो आप देखते रहिए कैसे कैसे। तो ये मेरी ग्रेवी बन रही है। और ये पनीर की सब्जी के साथ फेंकूँगी गर्मा गर्म पराठे, तो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये है ताज़ी मलाई जो मैंने आज ही निकाली थी, ये मलाई दूध से। तो इसे थोड़ा सा चम्मच से ऐसे चला लूँगी और उसके बाद मुझे डालना है इसमें, ये देखिए